Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak, and once again I welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC Civil Service preparation. Me, Alan, along with my team members, are trying to bring you one of the finest quality content that is available for you at your place. आपको घर पे बैठे बैठे बहुत ही high quality आपको content available हो रहा है. उसके लिए मैं और मेरे team members अपने हिसाब से जितने भी हो सके उतनी कोशिश कर रहे हैं. खैर, ये हम लोग के एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो गोल है उसको फुलफिल करने में हम लोग हो सके उतनी आपको इफ़र्ट्स करें. एंड वी फील सीरियसली ओवरवेल्म. हमको बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो फीडबैक दिए है रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्सेज, तो वी ऑल्सो फील मोटिवेटेड. हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपकी जितने भी डाउट्स है, आपके जितने भी इनफैक्ट इश्यू है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के दौरान एक कोई भी कैंडिडेट होता है, स्टूडेंट होता है, उसको फेस होना करता है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो पाए. एंड एज अ पार्ट ऑफ अवर एफर्ट्स वी वर डिस्कसिंग द आर्ट एंड कल्चर. वी वर डिस्कसिंग द आर्ट एंड कल्चर और वही आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को आज के सेशन के अंदर फिर से हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द पोस्ट मौर्यन आर्ट. हमने आर्ट एंड कल्चर को ऑलरेडी शुरू कर दिया था. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हिंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर. We discussed about the Mauryan architecture and in fact हमने previous class के अंदर post Mauryan architecture को भी थोड़ा बहुत पढ़ा था. तो जो जो students अभी नए नए जुड़ रहे हैं उनको मैं recommend करूँगा कि आप पहले के दो classes को जो आप उसके जो videos है, उसके lectures है, उसको देख के आइएगा. आधे आधे घंटे के around 35 minutes के आसपास के मेरे sessions रहते हैं. I'll recommend कि you please watch and update that videos. The reason why I am recommending you, because you will be able to link up that topics with the present link. Getting my point? अगर आपने previous topics को link up नहीं किया है तो आपको ये topics में दिक्कत होगी. इसके लिए मैं कहूँगा कि आप वो topics को देख के आइए. जो जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट नए नए जुड़ रहे हैं, जिनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत अनुभव नहीं है, उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. मैं पिछले 6 ईयर्स से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ. ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है. एंड एज अ पार्ट ऑफ अवर लाइक नो इंटरेस्ट, ओके, मैं आपको यहाँ पे स्टूडियो राइज के ऊपर तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथों साथ मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ. तो जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि सर हमको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है और ये एग्जाम ऐसी है जहाँ मेंटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ पे एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे पाए और पहली बात तो आपको ये बता पाए व्हाट नॉट टू रीड रेदर देन व्हाट टू रीड. हाँ, तो आपको इग्नोर करना है कुछ कुछ चीज़ों को. और आर्ट एंड कल्चर तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे इतना वास्ट सिलेबस है. तो आई रिकमेंड कि आप जुड़ो हमारे साथ. मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि मैं हिस्ट्री अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ा रहा हूँ. मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस मेरे चालू है. बहुत ही जल्द एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के सेशंस भी शुरू हो रहे हैं. तो आप जुड़िएगा हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर. प्लस के ऊपर एडवांटेज यही होगा कि मेरे अलावा जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब के वीडियोस और लेक्चर्स को भी आप देख पाओगे. यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द लेक्चर्स एंड द सेशंस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स. यू विल बी एबल टू लाइक नो सी द मिस्ड क्लासेस एज वेल. और इसी के कारण ये आपको एडवांटेजेस रहेगा. आप टेस्ट सीरीज, आप ऑप्शनल, आपको जो भी इनफैक्ट फिर से रिवाइज करना हो आप देख सकते हो. और एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स होते हैं तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा. अगर एक टीचर की आपको पिडेगोगी समझ में नहीं आती है तो यू कैन जॉइन द क्लासेस ऑफ अदर टीचर एज वेल. इट्स अप टू यू कि आप किसको पढ़ोगे. इट इज़ लाइक अमेजोन और नेटफ्लिक्स. जो सीरीज पसंद आए उसको देखिएगा, ठीक है. तो ये एक आपका अनअकैडमी प्लस का एडवांटेजेस है. मैं कहूँगा कि आप अनअकैडमी प्लस को जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. 1 ईयर की ऐसे तो फीस अभी 40,000 रुपीज है, बट इफ यू यूज माई कोड पी एन लाइव द फीस विल कम डाउन टू 36,000 रुपीज, ठीक है. और जो स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी जॉब कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो 2021-22 में देने वाले हैं, जो अभी जस्ट तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. सो दैट 2 साल तक फॉर 2 ईयर्स यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव क्लासेस, डाउट शेयरिंग, सब कुछ हो जाएगा आपका. कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी. यूज माई कोड पी एन लाइव, द फीस विल कम बैक टू 57,600, इंक्लूडिंग ऐप स्टोर के ऊपर जाओ, डाउनलोड करो अनअकैडमी प्लस को. यूपीएससी सीएसई को अपने गोल रखिएगा. यूज माई कोड पी एन लाइव, द फीस विल कम बैक टू 10% डिस्काउंट. तो आप जो भी करोगे पी एन लाइव के साथ यूज़ कीजिएगा. यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल. खैर, हम लोग आज के सेशन को फिर से शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत.
और प्रीवियस क्लासेस में जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आर्ट एंड कल्चर को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, कुछ कुछ को कहते हैं विजुअल आर्ट, कुछ कुछ को कहते हैं परफॉर्मिंग, कुछ कुछ को कहते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। विजुअल आर्ट इंक्लूड्स द आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स इंक्लूड्स द स्कल्पचर, एंड विजुअल आर्ट्स ऑल्सो इंक्लूड्स द पेंटिंग्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पॉटरी। ठीक है, तो मैंने आपको विजुअल आर्ट्स की जब बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगराइजेशन के बारे में प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। वो जो विजुअल आर्ट की जो कैटेगराइजेशन और उसकी जो क्लासिफिकेशन को हम लोग जब देखते हैं, उन्हीं के ही कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन को आज के क्लास के अंदर भी फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब जब हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो हमने एंशिएंट इंडिया को सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था, और मैंने आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर हड़प्पन आर्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, उसकी आर्किटेक्चर, उसकी पॉटरी, उसकी स्कल्पचर को। उसके बाद मौर्यन आर्ट के बारे में बताया था, द स्कल्पचर ऑफ द मौर्यन आर्ट। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में। अब देखो, पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में जो हम लोग देखते हैं तो पोस्ट मौर्यन आर्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने केव आर्किटेक्चर पढ़ा था, याद आया बेटा? और केव आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था कि एक तो वेस्ट इंडिया में बनता है और दूसरा ईस्ट इंडिया में बनता है। वेस्ट इंडिया में जो केव आर्किटेक्चर बनता है वो कौन बनाता है, द सातवाहन डायनेस्टी बनाते हैं। पोस्ट मौर्यन इंडिया में कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, सातवाहन डायनेस्टी हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी? इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया के अंदर देखोगे तो खारवेल करके जो राजा था वो बनाएगा, और वेस्ट इंडिया में खास करके अगर आप देखोगे तो अजंता की केव्स, इंक्लूडिंग आपको सातवाहन डायनेस्टी के दौरान कौन सी केव मिलेगी, कार्ले की केव्स, याद आया कि नहीं आया? और खारवेल के दौरान जो खास करके दो केव्स हमने पढ़ी थी, एक तो उदयगिरी की केव्स और दूसरी कौन सी थी बेटा, खंडगिरी की केव्स, याद आया आपको? तो यू विल फाइंड कि आपको ये दोनों की दोनों केव आर्किटेक्चर मिलेगी इस दौरान, इंक्लूडिंग ये केव्स का यूज क्या होता था। तो यूजेज ऑफ केव आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था, इट वॉज मल्टीपर्पज इन द फॉर्म ऑफ चैत्य, इन द फॉर्म ऑफ विहार, याद आया आपको? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद पिलर्स के दौरान मैंने आपको बताया था कि अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनाए, और आपको यहाँ पे भी पिलर्स मिलते रहेंगे। कहाँ पे पिलर्स मिलता है याद रखेगा कि मौर्य में आपको शुंग के दौरान आपको एक पिलर मिलेगा, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर नहीं बताया था, उसका नाम था हीलियोडोरस पिलर। क्या नाम था? हीलियोडोरस पिलर। ये क्या है हीलियोडोरस? तो हीलियोडोरस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, याद रखेगा, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द मौर्यन किंग, टू द शुंग किंग, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द शुंग किंग। और इसने विदिशा नाम की जगह है, विदिशा पता है आपको? विदिशा कहाँ पे है बेटा? विदिशा इज अ प्लेस इन MP, यहाँ पे उसने एक स्तंभ बनाया था, ही मेड अ पिलर, और ये पिलर को हम लोग गरुड़ स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ कहते हैं, याद रखेगा। आपको कभी कभी पूछेगा कि भाई पिलर कहाँ पे बना पोस्ट मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद स्तूप आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया, सांची का स्तूप कैसे रिवाइज किया गया, सांची के स्तूप को कैसे डिफाइन किया गया, सांची के स्तूप को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। आज का हमारा जो सेशन है वो है पोस्ट मॉडर्न इंडिया के स्कल्पचर में देखना है। अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्कल्पचर दो प्रकार से बनेंगे। एक स्कल्पचर ऐसा बनेगा जो केव आर्किटेक्चर के अंदर बनेगा। केव आर्किटेक्चर के अंदर बनने का मतलब समझ में आता है आपको? इंक्लूडिंग स्तूप आर्किटेक्चर के अंदर बनेगा, मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द केव आर्किटेक्चर एंड द स्तूप आर्किटेक्चर? हाँ, व्हाट डज इट मीन? तो याद रखेगा कि एज अ पार्ट ऑफ द स्कल्पचर आर्ट, एज अ पार्ट ऑफ द स्कल्पचर आर्ट, याद रखेगा, द केव आर्किटेक्चर एंड द स्तूप आर्किटेक्चर के अंदर आपके जो रिलीफ आर्किटेक्चर है वो बनेगा, और वहां पे मूर्तियां बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्तूप के अंदर मैंने आपको बताया था, स्तूप के ऊपर जो स्कल्पचर बनता है वो कौन सा बनता है? जातक स्टोरीज, याद आया आपको? सांची के स्तूप के बारे में बताया था हमने। ठीक है, तो आपको वो स्कल्पचर आर्ट वहां पे मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट? अब दूसरा स्कल्पचर ऐसा बनेगा जो इंडिपेंडेंट बनेगा। कौन बनेगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आता है आपको? राजा खुद बनाएगा, राजा बोलेगा कि चलो अलग से मूर्तियां बनाई जाए, गेटिंग माय पॉइंट? अब ये स्कल्पचर कैसे बना वो समझाता हूं, कौन सी डायनेस्टीज बनाती है। जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज में कौन सी डायनेस्टी पावर के ऊपर आई, तो सबसे पहले शुंग डायनेस्टी और कणवा डायनेस्टी मगध वाले रीजन में आई। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी उड़ीसा के अंदर आपके कौन से राजा है, खारवेल राजा, याद आया आपको? इंक्लूडिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि डाउन साउथ वाला जो रीजन है यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आएगी, सातवाहन डायनेस्टी आएगी। और सातवाहन के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक और डायनेस्टी मिलेगी जिसका नाम है इक्ष्वाकु। क्या नाम है? इक्ष्वाकु, याद रखेगा। ये साउथ के अंदर ही आए थे, ये भी पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर के ही पार्ट है, गेटिंग माय पॉइंट? नॉट इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जब हम लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो इस दौरान बहुत सारे फॉरेनर्स आए।
ये फॉरेनर्स के अंदर आप याद रखेगा कि इंडो ग्रीक्स करके एक डायनेस्टी आती है, इंडो ग्रीक्स के साथ साथ दूसरी डायनेस्टी जो आएगी वो कौन सी आती है याद करो बेटा, तो वो आएगी आपके शक डायनेस्टी, शक के बाद तीसरी डायनेस्टी आती है पार्थियंस, एंड पार्थियंस के बाद जो चौथी डायनेस्टी आएगी कौन सी आएगी, कुषाण। अब इन दौरान अगर आप देखोगे, दिस वॉज द पीरियड ऑफ पोस्ट मॉडर्न इंडिया। कहाँ से शुरू होता है तो मैं कहूँगा सेकेंड सेंचुरी BCE से लेके आपकी थर्ड सेंचुरी CE तक। तो यू कैन इमेजिन दिस वॉज पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, एंड इन बिटवीन दिस पीरियड लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर टुक प्लेस। एज अ पार्ट ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर वी फाइंड मल्टीपल स्कल्पचर डेवलपमेंट, एंड दिस स्कल्पचर विल बी हैविंग इन्फ्लुएंस इन ऑल द रिलीजन, दिस स्कल्पचर विल बी हैविंग इन्फ्लुएंस इन ऑल द रिलीजन। यू विल फाइंड द स्कल्पचर्स बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म, आपको इस दौरान बुद्धिज्म के अंतर्गत स्कल्पचर मिलेंगे। वी विल फाइंड द स्कल्पचर्स बिलोंगिंग टू जैनिज्म, वी ऑल्सो फाइंड द स्कल्पचर बिलोंगिंग टू द वैष्णविज्म, या मैं कहूंगा विच इज पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म, गेटिंग अ पॉइंट। तो यू विल फाइंड मल्टीपल स्कल्पचर्स विच विल बी मेड एज अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, द हिंदू आर्किटेक्चर एंड द जैन आर्किटेक्चर, ठीक है। वैष्णव के साथ साथ आपको शिव जी का भी स्कल्पचर मिल जाएगा। अब जब हम लोग इनकी बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो कौन से स्कल्पचर कब बने उसको मैं समझाता हूँ। इंडिया में पोस्ट मॉडर्न आर्ट में जब हम लोग स्कल्पचर की बात करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द स्कल्पचर आर्किटेक्चर, तो यू विल फाइंड थ्री प्लेसेस वेयर द स्कल्पचर आर्ट विल बी मेड। भारत में तीन जगह ऐसी होगी जहां पे स्कल्पचर बनने की शुरुआत होगी। एक होगा गांधार, कौन सा होगा, गांधार। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा मथुरा, कौन सा मिलेगा बेटा, मथुरा। और तीसरा अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा अमरावती, कौन सा, अमरावती। अब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द गांधार मथुरा एंड अमरावती, तो आपको मैपिंग के द्वारा फिर से समझाऊंगा। गांधार अगर आप देखोगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, गांधार इज समवेयर ओवर हियर इन अफगानिस्तान, मन की आंखों से देखो ये गांधार है। कहते हैं कि यहाँ पे एक अलग प्रकार का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ एज अ पार्ट ऑफ स्कल्पचर आर्ट। दूसरा मथुरा जो यहाँ कहीं पे आया है, द मथुरा, एंड द थर्ड वन दैट इज नोन एज अमरावती, दैट डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सातवाहना। इन तीनों जगह के ऊपर आपका अलग अलग प्रकार का स्कल्पचर बना। ये स्कल्पचर की खासियत क्या थी उसको मैं आपको समझाऊंगा, इंक्लूडिंग आपके विदिन आर्किटेक्चर, मतलब जो स्तूप बना, जैसे सांची का स्तूप था अगर आपको याद होगा, ये रहा सांची अपना, ये जो सांची का स्तूप है, ये सांची के स्तूप की क्या खासियत थी वो भी मैं आपको स्कल्पचर के फिर से पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। और इंडिया में जितने भी केव आर्किटेक्चर बने उनके अंदर भी कैसे स्कल्पचर डेवलप हुए उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले गांधार, मथुरा और अमरावती स्कल्पचर के बारे में समझते हैं। केव आर्किटेक्चर को ऑलरेडी पढ़ लिया है, चैत्य विहार को, उदयगिरी खंडगिरी को भी पढ़ लिया है, स्तूप को भी पढ़ लिया है। सांची के स्तूप के ऊपर अगर आप देख रहे हो, ये जो स्कल्पचर है ये जातक स्टोरीज के स्कल्पचर से दिख रहा है आपको, दिस आर द स्कल्पचर ऑफ द जातक स्टोरी, समझे आप। उसके बाद हम लोग आज स्कल्पचर देखते हैं और गांधार, मथुरा और अमरावती स्कल्पचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो स्कल्पचर बनता है इंडिया में उसका रीजनल वेराइटी, रीजनल इन्फ्लुएंस, इसका आर्किटेक्चर का स्टाइल इंक्लूडिंग इसका डिज़ाइन सब कुछ अलग था, और इसी के कारण UPSC यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस निकालता है। अब गांधार देखोगे तो आज का मॉडर्न डे अफगानिस्तान है, जिसे हम लोग कांधार भी कहते हैं अगर आपको पता होगा, ये वही जगह है। गांधारी महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर, अगर आपको पता होगा, गांधारी पता है कि नहीं पता, लेडी, शी वॉज द क्वीन ऑफ, शी वॉज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ गांधार, इसके लिए नाम ही है गांधारी, समझ में आ रहा है। दैट वॉज पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया, इन द एंशियंट इंडिया दिस वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए गांधारी शब्द है, गांधार की थी ना वो। तो इट इज सेड कि जब हम लोग गांधार की बात करते हैं वहां अलग शैली, मथुरा के अंदर अलग शैली, अमरावती के अंदर अलग शैली। क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पूछेगा कि ये स्टाइल के फीचर्स क्या क्या है, आपको पूछा जाएगा कि वॉट आर द फीचर्स ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि वॉट आर द मटेरियल्स विच आर यूज एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ये स्कल्पचर के अंदर कैसा मटेरियल यूज हुआ, याद रखेगा, सेकेंड क्वेश्चन। तीसरा आपको पूछ सकता है
कि कब ये बन के आया, when it emerged, और उसके बाद आपको पूछ सकता है इसका डिक्लाइन कब हुआ, when it emerged and how it declined. तीसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको. चौथा क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ सकता है कि who gave the patronage to this dynasties, to this art and culture, in fact ये बनाने वाला, समझे. चार प्रकार के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द गांधार, मथुरा एंड द अमरावती आर्ट. अब एक एक करके आपको इसके डिटेल में समझाता हूँ. गांधार आर्ट क्या था, अगर आप ये फोटोग्राफ देख पा रहे हो, तो आपको गांधार आर्ट की फीचर्स ही इसके अंदर से मिलेंगे. ये गांधार आर्ट की खासियत ही है ये फीचर्स के अंतर्गत, इंक्लूडिंग अगर आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा है कॉर्नर वाला, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, ये भी आपको गांधार आर्ट की ही फीचर दे रहा है. अब गांधार आर्ट की खासियत क्या है, तो पहला तो पॉइंट पता होना चाहिए कि ये कब डेवलप हुआ. तो जब हम लोग गांधार आर्ट की बात करते हैं तो अराउंड 50 BC से लेके 500 AD तक के आसपास के पीरियड में ये डेवलपमेंट हुआ होगा. और बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि 50 BC से लेके 500 AD का मतलब ये होता है कि इस दौरान यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज पावर के ऊपर आई, और ख़ास करके अगर आप देखोगे तो आपको कनिष्क जैसे राजा मिलेंगे जो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, इंक्लूडिंग कोई कहता है कि उसके पहले जो शाक डायनेस्टी हुआ करती थी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती है, सीथियंस भी कहते हैं, उनके दौरान भी गांधार डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ होगा. अब गांधार डायनेस्टी में ज़्यादातर जो आपको स्कल्पचर मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली है, वो आपको बुद्धिस्ट इमेजेस मिलते हैं. और बुद्धिस्ट इमेजेस का मतलब ये होता है कि बुद्ध की जो मूर्ति है वो बननी शुरू हो जाती है, और बुद्ध को भगवान माना जाता है. अब क्वेश्चन आया कि सर बुद्ध कैसे भगवान माने गए, हाउ द बुद्धिस्ट इमेजेस वर मेड, समझ में आ रहा है आपको. अब मैं आपको थोड़ा बहुत बुद्धिज्म के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि बुद्धिज्म की थियोरी आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द आर्ट एंड कल्चर. एंड व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ द बुद्धिज्म एंड द बुद्धिस्ट थियोरी, हमको क्या देखने को मिलता है इसके अंतर्गत. तो वी फाइंड कि बुद्धिज्म के अंदर दो ब्रांचेस डेवलप हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक को कहते हैं हीनयान, और दूसरे को कहते हैं महायान. क्या कहते हैं? महायान. अब ये कैसे डेवलप हुआ, तो कहा जाता है कि बुद्ध का जब डेथ हो गया, व्हेन बुद्धा पास्ड अवे, तो उनके फॉलोअर्स ने काउंसिल रची थी, उनके फॉलोअर्स ने एक परिषद रखी थी. कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ऑर्गेनाइज्ड अ काउंसिल, और ऐसे बहुत सारे बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उन सब ने अलग अलग काउंसिल्स रख के बुद्ध के जो विचार थे, उनके जो थॉट्स थे, उनके आइडियाज थे, उन सब के ऊपर डिस्कशन करना शुरू किया. एज अ पार्ट ऑफ देयर आइडियाज एंड डिस्कशंस इट इज सेड कि बुद्धिज्म के अंदर एक ग्रुप उभर के आया जो कहता था कि बुद्ध इज नथिंग बट अ सेंट, बुद्ध इज नथिंग बट अ टीचर, बुद्ध इज नथिंग बट अ पर्सन हु विल ट्राई टू सॉल्व द सॉरोज ऑफ द सोसाइटी. गेटिंग माई पॉइंट ऑन. उसके सामने जब हम लोग महायान को देखते हैं, वो कहता है कि बुद्ध एक भगवान है, और भगवान है तो उनकी इमेजेस भी बननी चाहिए. समझ में आ रहा है? एंड एज अ पार्ट ऑफ द महायान बुद्धिज्म, याद रखेगा कि द बुद्धिस्ट इमेजेस वर मेड, और ये इमेजेस के अंदर आपकी अलग अलग वेराइटी बननी शुरू हो गई इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक गांधार, एक मथुरा और एक अमरावती. हीनयान वाले लोग बुद्ध को भगवान डायरेक्टली नहीं मानते हैं, एंड बिकॉज दे डू नॉट कंसिडर बुद्धा एज द गॉड आई वुड से, तो उनके दौरान बुद्ध की इमेजेस नहीं बनती हैं. उनके दौरान आपको स्तूप मिलेंगे, या बुद्ध को अलग अलग सिम्बॉल्स में याद रखा जाता है. ये सिम्बॉल्स के रूप में बुद्ध को वर्शिप किया जाता था. ये मल्टीपल सिम्बॉल्स है, आपको एक हॉर्स मिलेगा, आपको लायन मिलेगा, आपको चक्र मिलेगा, आपको एक थ्रोन मिलेगा, एक कुर्सी मिलेगी. ये सब मल्टीपल सिंबल्स है जिसके द्वारा बुद्धिज्म को हम लोग देख सकते हैं. पॉइंट क्लियर हुआ आपका? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि भैया कैसे डेवलपमेंट चलता है व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज्म. ये गांधार स्टाइल की खासियत क्या है, तो पहला लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि इट बिलोंग्स टू द अफगानिस्तान एंड द पेशावर रीजन, एंड इट इज पार्ट ऑफ द महायान आर्किटेक्चर. याद रखेगा, आपको कभी कभी पूछेगा क्यों, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां बनती है. ये महायान और हीनयान में कब डेवलपमेंट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, कि इनका बंटवारा कब, इनका ऑफिशियल डिवीजन होता है, अंडर विच किंग, कौन से राजा के समय पे ये बंटवारा होता है, मुझे जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर. आई वांट यू कि आप बुद्धिज्म का थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो टू अंडरस्टैंड द आर्ट एंड कल्चर.
मैं तो आपको बताता रहूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, पर उसके पहले आप, मैं चाहूंगा, ये महायान फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर की खासियत ये थी कि आपके जो गांधार के अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस को यूज किया। अब ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस का मतलब क्या है, ये बाहर का विस्तार था, वहां पे रहने वाले जो लोग थे उनकी जो कला थी वो सब यूज की। अब उस टाइम पे बुद्ध गुजर गए, उसके उसके मतलब आप पकड़ के चलो कि 400-500 साल के बाद ये डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि आप देखिएगा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ, व्हेन बुद्ध पास्ड अवे, बुद्ध पास्ड अवे समटाइम द पीरियड ऑफ 483 BC, और ये स्कूल का डेवलपमेंट कब हुआ, 50 BC के आसपास। सो दैट मींस अराउंड 500 ईयर्स हैज पास्ड। तो नो वन न्यू एक्चुअली व्हाट बुद्धा लुक्ड लाइक, बुद्धा कैसे लगते थे, क्यों बुद्ध ने तो मूर्तियां बनी नहीं, ना ही उस टाइम पे ओप्पो वीवो के फोन हुआ करते थे कि उन्होंने फोटो भी खींचा होगा, किसी और ने खींचा होगा, देयर वाज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ दिस। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी गेट इन द गांधार स्कूल, द वर्कर्स यूज टू थिंक कि बुद्ध हमारे जैसे लगते होंगे। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस टाइम पे ग्रीक लोग बहुत थे, रोमन्स बहुत थे, उनके कारीगर थे, उन्होंने बुद्ध को भी अपने जैसा बनाया। कैसा बनाया, तो यू विल फाइंड द कर्ली हेयर, दिख रहा है आपको बुद्ध के बाल कैसे है, एकदम कर्ली है, इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे फेशियल फीचर्स, द फीचर्स ऑफ बुद्ध विच इज वेरी मच सिमिलर टू द ग्रीक गॉड्स आई वुड से, इंक्लूडिंग द क्लॉथ दैट इज बीइंग वोर बाय बुद्ध। अगर आप देख रहे हो उनके जो कपड़े भी है वो कपड़े कैसे है बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, द क्लॉथ दैट इज बीइंग वोर बाय बुद्ध ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ग्रीक गॉड्स। अपोलो पता है, अपोलो अपोलो वॉज वन सच ग्रीक गॉड जिनकी मूर्तियां ये ग्रीक लोग बनाया करते थे। द ग्रीक यूज टू मेक द इमेजेस ऑफ अपोलो, कहते हैं कि अपोलो के जैसे बुद्ध को बनाने की कोशिश की गई। और उनके जो कपड़े हैं, यू माइट हैव सीन द ग्रीक पीपल वेयरिंग दिस वाइट कलर का बड़ा सा वो सूर्यवंशम टाइप है ना शॉल पहनते हैं, आपने देखा सूर्यवंशम, देखा यूं करते हैं, खचाक करते हैं, हाँ अमिताभ बच्चन करता है ना ऐसा, तो ये लोग ने भी इस तरह से ड्रेप किया है। इफ यू कैन सी द ड्रेपिंग ऑफ द क्लॉथ इज देयर, ये ड्रेपिंग दर्शाता है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत था, रोमन इन्फ्लुएंस भी बहुत था, समझे। और इसी के कारण अगर आप देखोगे इसको ग्रेको इंडियन या मैं कहूंगा ग्रेको रोमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेको इंडियन और ग्रेको रोमन, क्यों, क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस प्लस ग्रीक रोमन बोथ इन्फ्लुएंस कैन बी सीन। और गांधार के अंदर जो लोकली अवेलेबल मटेरियल था वो था आपका ब्लू ग्रे सैंडस्टोन। कौन सा मटेरियल था, ब्लू ग्रे सैंडस्टोन। और इसी के कारण यहाँ पे भी जो पत्थर यूज हुआ है उसमें ब्लू ग्रे सैंडस्टोन का इम्पैक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। ये गांधार की ही खासियत थी जहां पे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मड एंड स्टको आर्ट है उसका भी यूज होना शुरू हो जाता है, मड एंड स्टको का भी यूज होना शुरू हो गया। और खास करके बुद्धिज्म के रिलेटेड ही इमेजेस ज्यादा मिलेगी गांधार में, आपको बुद्धिज्म की इमेजेस ही मिलेगी, बुद्ध या बोधिसत्व की इमेजेस मिलेगी। अब हु आर बोधिसत्वस, हु आर बोधिसत्वस, तो याद रखेगा दे आर पार्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये भी सेंट हुआ करते थे, बोधिसत्व की एक अलग कहानी है पर कभी बाद में बताऊंगा जब हम लोग हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री के क्लासेस के अंदर आइएगा, आपको दोनों को लिंक करा के दूंगा, गेटिंग अ पॉइंट। और बुद्ध की ज्यादातर इमेजेस कैसी दिखती थी, अपोलो के जैसी। अपोलो कौन थे, ग्रीक गॉड, मैंने आपको बताया, समझ में आया आपको। यू विल फाइंड कि जब गांधार आर्ट की हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब गांधार आर्ट की बात करते हैं तो गांधार आर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रीक गॉड जैसी आपको फीलिंग्स आएगी। और ग्रीक गॉड जैसी फीलिंग कैसे आती है, तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग उनके जो फेशियल फीचर्स है वो लगते हैं, कभी कभी अगर आप देखोगे उनकी बॉडी की मस्कुलिनिटी है वो कहीं ना कहीं ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड्स के साथ जोड़ी जाती थी, समझ में आ रहा है आपको। इंक्लूडिंग उनके जो फेशियल फीचर्स है, उनके जो फेशियल फीचर्स है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको रोमन इम्पैक्ट के ऊपर भी फोकस करेंगे। और इसी के कारण आपकी जो गांधार आर्ट है वहां पे आपको ग्रीक एंड रोमन ये दोनों का प्रभाव कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। कहते हैं कि जो रोमन लोग थे उनके जो फेशियल फीचर्स थोड़े अलग थे, इसके लिए जितने भी कारीगर थे वर्कमैन थे उन सब ने इनफैक्ट ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर प्लस इंडियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर करके इनकी मूर्तियां बनाई। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि गांधार आर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। अब कौन सी डायनेस्टी सबसे ज्यादा बनाएगी, तो याद रखिएगा कुषाण डायनेस्टी के दौरान, इन द पीरियड ऑफ कुषाण डायनेस्टी वी विल फाइंड द गांधार आर्ट टू बी पॉपुलर। ये गांधार आर्ट की एक और खासियत मैं बता देता हूं कि इसमें आपको लाइफ साइज इमेजेस ज्यादा मिलती है। व्हाट डू मीन बाय लाइफ साइज इमेजेस, बाय द वे
लाइफ साइज इमेजेस ऐसी इमेजेस होती है जो बड़ी साइज में होती है. बड़ी साइज का मतलब समझ में आता है? यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय बिग साइज? बिग साइज का मतलब है स्टैंडिंग इमेजेस. जैसे एक जगह है बामियान, मैं कहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सर्च करें. बामियान के अंदर आपको एक बुद्धा की इमेजेस मिलती है, दैट इज नोन एज द बामिया इमेजेस. और कहते हैं कि ये जो बामिया इमेजेस है ये काफ़ी पॉपुलर है. इसको बीच में उड़ा दिया गया था बाय द तालिब्स, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की भी बात की जाती है. गांधार के बाद जो दूसरा स्कूल डेवलप हुआ वो था आपका मथुरा स्कूल. वो था आपका मथुरा स्कूल. समझ में आ रहा है आपको? मथुरा स्कूल की जब हम लोग बात करते हैं, मथुरा स्कूल की जब हम लोग बात करते हैं तो मथुरा स्कूल कहाँ पे डेवलप हुआ, तो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैपिंग के द्वारा बताने की कोशिश की कि मथुरा के अंदर भी आपको एक आर्किटेक्चर की स्टाइल मिलेगी. बट मथुरा की जो आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर है उसकी खासियत थोड़ी अलग हुआ करती थी. मथुरा स्कूल की खासियत ये है आपको कि वहाँ पे आपको ऑल थ्री रिलीजन्स का प्रभाव मिलेगा. ऑल थ्री रिलीजन्स का मतलब ये है कि जितने भी धर्म थे उन सब का इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा. गांधार के अंदर जो आर्किटेक्चर और जो स्थापत्य बना वहाँ पे ओनली एंड ओनली बुद्धिस्ट इमेजेस बन के आई. बट इन द मथुरा स्कूल, वी फाइंड अदर इमेजेस एज वेल. मथुरा स्कूल के अंदर हमको और भी इमेजेस मिलती है. पॉइंट समझ में आ रहा है? और मथुरा स्कूल के अंतर्गत आपको बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, मैं तो कहूंगा कि आपको राजा की मूर्तियां भी मिलेगी, इमेजेस ऑफ किंग्स भी मिलेगी. ये इमेजेस ऑफ किंग्स की जब हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, तो कनिष्क करके एक राजा था. ये कनिष्क की आपको इमेज मिलती है, हेडलेस इमेज है. हेडलेस इमेज का मतलब ये होता है कि उसका सर नहीं है. अब किसी ने कहा कि सर उसका सर नहीं है तो हाउ विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ये कनिष्क की है, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है. बट उसकी एक इमेज मिली है आपको मथुरा के अंदर के या मथुरा के आजू बाजू वाले रीजन में, जहाँ पे कनिष्क का एक ऐसा आपको फोटोग्राफ मिलेगा, फोटो नहीं मूर्ति मिलेगी, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनके हाथ थोड़े बहुत दिखेंगे आपको और पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर मिलेगा. बड़ा स्टोन का इमेज है बट आपको उनका थोबड़ा नहीं दिखेगा. ये भी दर्शाता है कि मथुरा के अंदर राजा खुद अपनी मूर्तियाँ बनाते थे, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म और जैनिज्म का प्रभाव भी मिलेगा. मथुरा की खासियत यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो यक्ष की इमेजेस मिलती थी, याद आया, यक्ष जो मौर्यन टाइम्स में बनते थे, यक्ष एंड यक्षिणी, वो सब मथुरा के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए. मथुरा के अंदर इनकॉर्पोरेट होने का मतलब यह है कि मथुरा के अंदर जितने भी इनफैक्ट मूर्ति बनेगी उनमें इनका भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा. और कहते हैं कि जो मौर्यन पीरियड के दौरान यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनी उन सब को मथुरा शैली के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया. और कहते हैं खास करके अगर आप देखोगे तो जितने भी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस है, उनको योद्धा के रूप में दिखाया गया था. उनको कैसे दिखाया गया था? योद्धा के रूप में, फाइटर के रूप में. इंक्लूडिंग यहाँ पे बुद्ध की इमेजेस भी बनी और बुद्ध की इमेजेस आपको थोड़ी अलग प्रकार की मिलेगी. जैसे मथुरा स्कूल के अंदर देखोगे तो वहां के जो बुद्धिस्ट इमेजेस है वहां पे बुद्ध के आजू बाजू में आपको हालो दिखेगा. दिख रहा है आपको? व्हाट डू मीन बाय हेलो? हेलो क्या होता है? अगर आपको जानकारी होगी हेलो किसे कहते हैं, तो हेलो हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा फीचर, जैसे ये कोई इंसान है उनके फेस के आजू बाजू में आपको एक डिवाइन लाइट मिलती है. आपने देखा होगा काफी सारे भगवान के फोटोग्राफ और उनके आजू बाजू में आपको एक येलो कलर की, ऑरेंज कलर की एक डिवाइन लाइट मिलती है, आपको एक दैवीय शक्ति मिलती है, उन्हीं को ही हम लोग हेलो कहते हैं. समझे आपको? तो यू फाइंड कि मथुरा का जो हेलो है वो डेकोरेटेड है. क्या है? इट इज वेरी डेकोरेटेड. और उसके सामने आप गांधार को कंपेयर करोगे, तो गांधार के अंदर जो हेलो है वो कैसा है? प्लेन हेलो है. दिख रहा है आपको? तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द गांधार एंड द मथुरा स्कूल. आपको ये भी पता होना चाहिए जो बुद्ध के हेड के अंतर्गत आपको थोड़ा डिफर करता है. उसके साथ साथ जब गांधार मथुरा की बात करते हैं हम लोग, तो मथुरा के अंदर आपको जो इमेजेस मिलती है उसमें बुद्ध अगर आप देखोगे तो कैसे मिलते हैं आपको? मिलते हैं सिटिंग पोस्चर में.
और सिटिंग पोस्चर में अगर आप देख रहे होंगे तो उनका हाथ जो है, उनका हाथ जो है दिख रहा है आपको यूं, उनका जो हैंड है वो हैंड की एक मुद्रा है जिसे हम लोग कहते हैं अभय मुद्रा। क्या कहते हैं? अभय मुद्रा। अब ये मुद्रा कैसे उभर के आई उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन के अंदर 10-15 मिनट समझा दूंगा, क्योंकि एवरी मुद्रा हैज देयर ओन सिग्निफिकेंस। जैसे ये मुद्रा है, जैसे ये मुद्रा है, जैसे ये मुद्रा है, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको एक ये मुद्रा मिलेगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो देयर मल्टीपल मुद्रास, भूमि स्पर्श मुद्रा, वितर्क मुद्रा, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, यू विल फाइंड मल्टीपल मुद्रास, डिस्कशन वाली मुद्रा, सब अलग अलग है। ये अभय मुद्रा है। मथुरा के अंदर कौन सी मुद्रा? अभय। हर एक भगवान के ऊपर आपने देखा होगा फोटोग्राफ के ऊपर, तो भगवान यू करते हैं डोंट फियर व्हेन गॉड इज हियर। आपने हर एक भगवान का फोटोग्राफ आप देखिए, जहां जहां आइडल वर्शिप होती है वहां पे ये मुद्रा बहुत आपको कॉमन मिलेगी। आप शिव जी के कोई फोटोग्राफ देख लीजिए, आप किसी के भी इमेजेस को देख लीजिए, आपको कंटिन्यूसली इस प्रकार की मुद्राएं मिलेगी। मिलती है कि नहीं मिलती? भाई मिलती है यार, क्यों नहीं? उसका कारण ही ये है। समझ में आया? ये मथुरा के अंदर जो पत्थर यूज किया गया है वो भी अलग है। मथुरा में अगर आप देखोगे द मटेरियल दैट इज यूज्ड इज द रेड सैंडस्टोन। कौन सा यूज किया गया है? रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है। और जब हम लोग गांधार की बात करते हैं, गांधार की बात करते हैं तो कौन सा था? तो इसमें ब्लू ग्रे सैंडस्टोन यूज किया गया था। कौन सा था? ब्लू ग्रे सैंडस्टोन। समझ में आ रहा है आपको? तो सेकेंड डिफरेंस बिटवीन गांधार एंड मथुरा याद रखेगा, इंक्लूडिंग ये जो गांधार आर्ट है उसमें आपको, मथुरा आर्ट है उसमें आपको इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा मिलता है। इंडियन इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बुद्ध की इमेजेस बनी, यहाँ पे जो बुद्ध की इमेजेस बनी वहां पे कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। गांधार में कैसा था? ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर का प्रभाव था, यहाँ पे वो भी नहीं मिलता। एक और डिफरेंस हो गया, इंक्लूडिंग बुद्ध के दो आपके शिष्य मिलेंगे, यू विल फाइंड टू डिसाइपल्स ऑफ बुद्ध नेक्स्ट टू ईच अदर, दैट इज पद्मपानी एंड वज्रपानी। आप मन की आंखों से अगर देख पा रहे हो तो आपको दो केस के अंदर, और बुद्ध कैसे बने हैं? तो बुद्ध यहाँ पे पद्मासन के अंदर बैठे हैं, अगर आप देख पा रहे होगे पद्मासन के अंदर बैठे हैं और बहुत स्माइलिंग फेस में है, अगर आप देख पा रहे हो, ही इज क्वाइट स्माइलिंग। उसके सामने आप गांधार को देखोगे तो बुद्ध कैसे है? आपको मैकेनिकल दिखेंगे, समझे? एक और यहाँ पे कर्ली हेयर्स दिख रहा है आपको गांधार के अंदर। मथुरा में कैसे है? इंडियन इन्फ्लुएंस वाले हैं। गांधार में कैसे है? एकदम हट्टे कट्टे है। यहाँ कैसे है? आपको थोड़ा बैर बॉडी मिल जाएगा, आपको जो 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 फेशियल फीचर्स है, आपके फिजिकल फीचर्स है, इंडिया आपके नॉर्मल कॉमन मैन की जैसे दिख रहे हैं। समझ में आया आपको गांधार मथुरा के बारे में? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब तीसरा स्कल्पचर का पॉइंट समझते हैं, वो है अमरावती स्कूल। कौन सा बेटा? अमरावती स्कूल। अब देखिए अमरावती स्कूल की खासियत क्या है। अमरावती स्कूल को बनाने वाले जो लोग थे उनका नाम है सातवाहन डायनेस्टी। कौन सी थी बेटा? सातवाहन डायनेस्टी। अब व्हाट इज द सातवाहन डायनेस्टी ऑल अबाउट? सातवाहन डायनेस्टी कब आई पावर के ऊपर? तो मैंने आपको बताया इन्होंने केव आर्किटेक्चर बनाए थे, और सातवाहन डायनेस्टी की खासियत यह है कि इन्होंने अमरावती के अंदर एक स्तूप भी बनाया था। क्या बनाया था? स्तूप भी बनाया था। अब सातवाहन डायनेस्टी ने जो ज्यादातर आर्किटेक्चर बनाया है उसमें नैरेटिव आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय नैरेटिव आर्ट? What do you mean by narrative art? याद रखिएगा, it is related to जातक stories. किसके साथ जुड़ा हुआ है? जातक stories. What do you mean by जातक stories? तो बुद्धिज्म में जो वार्ताएं उभर के आई, बुद्धिज्म में बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई जितने भी stories उभर के आई, उन सब को कहीं ना कहीं इन्होंने आर्ट के रूप में, एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म, उन्होंने उसको पोर्ट्रे कराने की कोशिश की है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी के कारण हम लोग जब अमरावती स्कूल को देखते हैं उसको नैरेटिव आर्ट के रूप में ज्यादा देखते हैं। ये अमरावती आर्ट भी आपको इंडिजीनस मिलेगा। इंडिजीनस का मतलब यह है कि इसमें भी आपको कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं मिलता है। और इंक्लूडिंग अगर आप देखेगा कि अमरावती आर्ट के अंदर आपको ज्यादातर मटेरियल यूज होता है, वो मटेरियल अगर आप याद रखेगा तो आपको व्हाइट मार्बल ज्यादा यूज करने हुआ मिलेगा, व्हाइट मार्बल या लाइमस्टोन का यूज ज्यादा मिलेगा। तो गांधार में ब्लू ग्रे, मथुरा में रेड, अमरावती में व्हाइट मार्बल उभर के आया, समझे? इंक्लूडिंग अमरावती में बहुत सारे स्कल्पचर्स बने, जैसे ये स्कल्पचर तो बुद्ध का ही है, बट कुछ और भी स्कल्पचर्स बने जहां पे आपको त्रिभंग पोस्चर बहुत मिलेंगे। त्रिभंग समझ में आता है? त्रिभंग पोस्चर मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक डांसिंग गर्ल की इमेजेस बताई थी, याद आया आपको?
आई विल रिकमेंड कि आप वो जो डांसिंग गर्ल है ना हड़प्पा के अंदर, ऐसे यूं खड़ी है बाय द वे, ठीक है, तो वो जो पॉस्चर है वो पॉस्चर को देखिएगा। मैं त्रिभंग डांस के अंदर आऊंगा, आपको फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, जब मैं डांस का टॉपिक कराऊंगा आई डिस्कस अबाउट द त्रिभंग, तो ये भी आपको अलग मिलेगा। तो ये आपका अलग है, ये कृष्णा नदी के किनारे, वो ऊपर, इस तरह से गांधार, मथुरा, अमरावती, इन तीनों जगह के ऊपर आपको अलग अलग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर डेवलप हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो मूर्तियां बनी उसमें बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं मिलती है, जैसे ये वाली मुद्रा अलग है, जैसे ये वाली मुद्रा अलग है, जैसे ये वाली मुद्रा जो है वो भी अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? और ये मुद्राएं कैसे बनी, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, हर एक मुद्रा, कभी ये मुद्रा मिलती है, कभी ये मुद्रा मिलती है, कभी आपको ये वाली मुद्रा मिलती है, यू विल फाइंड मल्टीपल मुद्रास। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मुद्रा इन बुद्धास लाइफ? आप दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जाइएगा, जब आप चेकिंग काउंटर के ऊपर जाओगे ना T2 के बाहर, तो आपको बहुत सारी मुद्राएं मिल जाती है। लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, वो भरतनाट्यम और क्लासिकल डांसेस के साथ जुड़ा हुआ है, पर वो बुद्धिज्म के अंदर भी ऐसी मुद्रा का यूज हुआ है एज अ पार्ट ऑफ इमेज वर्शिप। हम लोग देखेंगे ये मुद्रास का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद हम लोग गुप्त आर्किटेक्चर और गुप्त आर्ट के ऊपर चले जाएंगे। आज के सेशन को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से आपका जो अलग अलग मुद्रा बन के आई उसका क्या सिग्निफिकेंस था, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आगे कंटिन्यू करूँगा और गुप्त आर्ट की तरफ हम लोग चले जाएंगे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई एम ओवरवेलम्ड बाय योर सपोर्ट एंड द मोटिवेशन, आपने बहुत दिया हमको फीडबैक के द्वारा। आई सजेस्ट कि आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको अपनी जो गोल है उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। जो जो स्टूडेंट्स अभी भी आर्ट एंड कल्चर से कतराते हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, यू विल बी एबल टू आंसर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। मैं आपको डिस्कस कराऊंगा प्रीवियस के क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आई वॉन्ट कि अगर आप अच्छी तरह से और भी करना चाहते हो और आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है और आप चाहते हो कि आपको कोई ना कोई मेंटर करे, मैं कहूँगा कि आप मेंटरिंग ले लो, किसी का भी ले सकते हो आप, इट्स अप टू यू। आप कोई फ्रेंड का ले लो, कोई सीनियर का ले लो जो तैयारी कर रहा है, बट गाइडेंस के साथ तैयारी करेगा। और आपको थोड़ा सा भी अभी हेजिटेशन हो रहा है तो यू ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। सून आई एम स्टार्टिंग विथ माई कोर्स ऑन एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, जस्ट लाइक द मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने अभी कंप्लीट करा रहा हूँ, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, प्री कम मेंस कम आर्ट एंड कल्चर सब कुछ इंक्लूड करूँगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भूलिएगा मत, मेरा कोड है PN Live, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्टडिंग।